ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। दुर्ग शहर में भगवान महावीर के जन्मोत्सव पर मंगलवार को मारवाड़ी स्कूल में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जैन समुदाय के अलावा दीनगर समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। श्री दिगंबर जैन पंचायत दुर्ग और महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में दुर्ग मारवाड़ी स्कूल में भगवान महावीर का 2612वां जन्म कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस महोत्सव पर जैन समाज के लोगों ने भगवान महावीर का जलाभिषेक व पूजन कर जियो और जीने दो के साथ अहिंसा का संदेश दिया। इस अवसर पर विधायक अरुण वोरा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान महावीर के अहिंसा के सिद्धांत का परिपालन करने का संकल्प लिया। साथ ही लोगों से आह्वान किया गया कि भगवान महावीर के अहिंसा व जियो और जीने दो के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाएं। महावीर जयंती के रूप में जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज दुर्ग में दुर्ग जैन समाज, सकल जैन समाज बहुत धूमधाम से यह पर्व मना रही है। उसी का रूप आप यहाँ पे कस्तूरबा बाल मंदिर एवं मारवाड़ी स्कूल में देख रहे हैं। आप बहुत खुशी का अवसर है और हम इस महावीर जयंती से यह संदेश देना चाहते हैं देश के अंदर कि हमेशा शांति बने रहे, जियो और जीने दो की राह में सब चले। ऐसे हमारे गुरु महाराज भी आदेश करते हैं और हम भी भगवान महावीर स्वामी के पथ पर चलकर आगे सच्चाई की राह में चलना चाहते हैं और जियो और जीने दो की राह में चलना चाहते हैं। हम सबको महावीर जयंती की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज बहुत ही हर्ष का विषय, आज 2622वां साल महावीर भगवान को जन्म जयंती व हम लोग मना रहे हैं। सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जियो और जीने दो और सभी शाकाहार अपनाएं। जय जिने, जय जिने। आज हमारे महावीर भगवान का जन्म उत्सव है, आज उनका जन्म हुआ है, तो हम लोग सब आज महावीर जयंती मना के जियो और जीने का संदेश पूरे देश में देना चाह रहे हैं और शाकाहारी अपना सब लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। यही हमारे महावीर भगवान का संदेश है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।